रहमान, आप सभी का वेलकम करता हूँ इंडिया सेलेब टॉक शो। आज मेरे साथ जो है जिनके अंदर ढेर सारी आवाज़ है वो अलग ही है, मतलब जिन्होंने धमाल मचा रखा है बच्चों के दिल में, इनकी आवाज़ बची हुई है। सोनल जी, पहले तो आपका नाम क्यों गलती है और बीसीए न्यूज़ चैनल पर गलती है, नागपुर आके कैसा लगा? बहुत अच्छा, इस बार आपकी ज़्यादा अच्छा इसलिए लगा क्योंकि कोविड की वजह से जो इतना ऑनलाइन जो इंटरव्यूज और ऑनलाइन इवेंट्स चल रहे थे उसके बाद ये पहला इवेंट है, तो इस एक्सपीरियंस क्योंकि इतने दिनों बाद स्टेज पर आना और आवाज़ें निकालना। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा नर्वस थी एट द सेम टाइम, बट ऑफकोर्स बीइंग ऑन द स्टेज इज ऑलवेज क्लोज टू माई हार्ट, तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब जब से आपको लोगों ने कपिल शर्मा शो में देखा है तब से पूरे हिंदुस्तान का एक प्रकार से क्रश ही बन गए, लेकिन सुनने में आया कि कोविड में आपने चुपचाप से शादी कर ली है। सबसे ज्यादा क्रश तो मेरा ही सबसे बड़ा अगर, लेकिन इसमें एक शर्त है, आपको ना जब भी आपको डायलॉग आता है उसमें ना मान का नाम आना चाहिए, नाम आना चाहिए। ये मैं कट करने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ डोरेमोन और आज मान मेरा इंटरव्यू ले रहा है और वो छोटा हूँ, मुझे मान से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा है, इसके साथ मिलकर शरारतें करेंगे और प्रिंसिपल सर को परेशान करेंगे। पीका पिकाचू, क्या बात। फुल फ्लैट हो चुका हूँ मैं, ऐसे गिर रहा हूँ, लेकिन इनके साथ में हस्बैंड खड़े हैं तो मैं ज़्यादा बोल भी नहीं सकता। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि घर पे हस्बैंड नाराज़ हो गए हो और आपने कौन सी आवाज़ निकाल कर उनको मनाया हो? ऑल द टाइम ऐसा होता है कि जब भी हल्के से नाराज़ होते हैं तो बच्चे की आवाज़ में उनसे बात, जैसे कि जैसे कि मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती, दैट इज स्पेशल टू हिम, बट जैसे मेरी इंस्टा पे रील्स आप देखते होंगे तो मैं नॉर्मल वॉइस और किड्स वॉइस वाला एग्जैक्टली रील्स बनाती हूँ, तो उसी तरह बच्चे की तरह क्यूटली उनको मना लेती हूँ। जैसे एक एक कोई भी, चलो बच्चे की आवाज़ वर्सेस जैसे कि कभी उनको ना आधे घंटे से उनको ज़्यादा नाराज रख ही नहीं पाती, वो खुद ही मान जाते हो कि ठीक है ठीक है चलेगा। अच्छा, जाते जाते आप नागपुर के दर्शकों से क्या कहना चाहोगे? एक सवाल कि बहुत सारे लोग ना ऐसा वॉइस ऑडिशन से चीज़ें करवा चाहते हैं, ठीक है, तो वो क्या करें, कैसी प्रिपरेशन करें? नागपुर के लोगों से मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, वॉइस एक्टिंग हो, एक्टिंग हो, वॉट एवर इट इज़, इफ़ यू रियली वांट टू डू समथिंग जस्ट बी पैशनेट अबाउट इट एंड बस पीछे पड़ जाओ उस चीज़ के। एंड कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट जाती है, तो अगर आप दिल से कोई चीज़ करना चाहेंगे तो डेफिनेटली कर लेंगे। क्या बात है, थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच नागपुर आने के लिए, और बहुत मज़ा आया आपके साथ। मैं मान यहाँ से तो विदा मिलूंगा अगले एपिसोड में कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नए जवाबों के साथ और कुछ नए चेहरों के साथ। टिल देन मान से गुड बाय एंड टेक केयर।